सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अपडेट के इस फ्रेश एपिसोड में मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत करता हूं। लेके आया हूं आपके लिए कुछ फाइनेंशियल अपडेट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख जो है बिल्कुल पास आ चुकी है और इन दिनों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीबीडीटी ने आयकर सेतु नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया जिसके थ्रू आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ऐप है ये। यहाँ पे ना कि आप सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं बल्कि अपना आधार और पैन जो है वो भी यहाँ लिंक करवा सकते हैं। आपको कितना टैक्स लागू हो रहा है और आपको कितना रिफंड मिलने वाला है ये सभी बातें आप एक ऐप के थ्रू जान सकते हैं। अगर आपने देखा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे प्रोसेस में मॉडिफिकेशन कर रहा है एक दो साल में, मगर जो मॉडिफिकेशन है वो काफी अच्छी है, क्योंकि अगर आपने पहले आईटीआर रिटर्न फाइल किया होगा तो आपको पता होगा कि पहले जो प्रोसेस था वो काफी लेंदी था, पर अभी जो मॉडर्न पीरियड में प्रोसेस जो है बहुत शॉर्ट हो गया है और बहुत सारी अच्छी मॉडिफिकेशंस इस प्रोसेस में इंक्लूड हो गई है। तो अभी आपको ई रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स के वेबसाइट के ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ई रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो टैक्स से रिलेटेड मौजूद है, इसलिए शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नंबर दिया है उसके ऊपर सिर्फ आपको मिस कॉल देना होगा और मिस कॉल देते ही तुरंत आपको एक मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज में इस ऐप की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी, तो उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जिस नंबर पे मिस कॉल देना है वो नंबर है 7306525252। बस इस नंबर पे तुरंत मिस कॉल दीजिए और ऐप डाउनलोड करके अपना ई रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस जो है पूरा कर दीजिए। दोस्तों, इनकम टैक्स का जो ऐप है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से भी वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे जो अगला अपडेट है वो है जीएसटी रेट फाइंडर के बारे में। यानी आप अगर जीएसटी के रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, फिर आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए और आपको हर गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जो कोई भी रेट्स मौजूद है वो आप सभी को अवेलेबल हो जाएंगे। यानी आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाए या फिर होटल में जाए या फिर कौन सी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस अवेल करने को जाइए, अगर आपको उसके जीएसटी के रेट के बारे में पता करना हो तो आप सिर्फ इस जीएसटी के ऐप में उस गुड्स या फिर सर्विस का नाम डालिए, उसके रेट्स जो है वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। यानी आपको अभी सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जो कोई भी मैसेजेस आ रहे हैं कि जिसका रेट्स इतना है या फिर इस चीज का रेट जो है वो कम हो गया है, इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करके जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स है वो आप जान सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों कि ये ऐप जो है वो एक बार आप डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, यानी उसके लिए आपको इंटरनेट की कोई भी जरूरत नहीं होगी। जीएसटी ऐप फाइंडर की भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जीएसटी ऐप फाइंडर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो अपडेट है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला है ऑनलाइन पेमेंट या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में, उसके सिक्योरिटीज के बारे में, तो ये अपडेट जो है वो उसी के बारे में है। दोस्तों, सर्कुलर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, मगर हम उसे बिल्कुल भी सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस सर्कुलर में जो कुछ भी बातें कही गई है वो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर आप कह सकते हो POS के ट्रांजेक्शन के बारे में। तो इस सर्कुलर में बताया गया है कि अगर आपको किसी ने धोखे से फंसाया हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द यानी 3 दिन में बैंक को देनी जरूरी है। और अगर गलती आपकी रहेगी, यानी अगर कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को दी है यानी पासवर्ड या फिर OTP शेयर किया हुआ है, तो बैंक उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। यानी आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद आपको जल्द से जल्द यानी सिर्फ 3 दिन में ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अपने बैंक में जाके बतानी है, ताकि आपका बैंक अकाउंट जो है वो सेफ रह सके और उसके आगे जो होने वाले फ्रॉड है उसके ऊपर रोक लग जाए। एक बार आपने अपनी कंप्लेन जो है वो बैंक में दर्ज कर दी, उसके बाद विद इन 10 डेज बैंक पूरी तरह से कोशिश करेगा कि आपको आपके पैसे मिल जाए। पर जैसा कि मैंने कहा, ये पूरी तरह से हमारी यानी कस्टमर्स की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द अपने बैंक को दीजिए। दोस्तों, अगला जो अपडेट है वो है गूगल UPI के बारे में। NPCI के MD और CEO AP होटा जी है, उन्होंने बताया कि WhatsApp और Facebook भी लगे हुए हैं अपना UPI ऐप लॉन्च करने के लिए, पर उससे पहले गूगल का जो ऐप है वो लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि गूगल की जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और वो सिर्फ अप्रूवल की दे रही है RBI की तरफ से। एक बार अप्रूवल मिल जाए तो गूगल जो है वो UPI ऐप बिल्कुल भी लॉन्च कर देगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी 50 बैंक जो है वो UPI में मौजूद है, उसमें सिर्फ 37 ऐसे बैंक है जिन्होंने अपना UPI का ऐप जो है वो खुद डेवलप किया है, और अभी उसमें गूगल का UPI ऐप आने वाला है। यानी बैंकर्स या फिर जो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ देखते हैं उनको तो NPCI बिल्कुल भी मालूम है, उन्होंने अपने बैंक्स का NPCI के थ्रू जो UPI ऐप जो है वो डाउनलोड भी कर दिया होगा। पर जिनको NPCI मालूम नहीं है वो तो बिल्कुल भी गूगल का इस्तेमाल करेंगे, गूगल ऐप का इस्तेमाल करेंगे और गूगल का
रुपए ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे। तो हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहा, बहुत सारे ऐप लॉन्च हो रहे हैं और हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस सुझाव को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।